हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, बकरियाँ चराने के लिए चल दिया जंगल में। और आप लोग को मालूम है चराने के फायदे बहुत से होते हैं दोस्तों, क्योंकि चराई पर रहने वाली बकरियाँ जल्दी बीमार नहीं पड़ती है और हर चीज़ का वो लोग को प्रोटीन मिनरल सब मिल जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं। और ऐसे देखें वीडियो, हम लोग का तो काम ही मान लो कि यही है, चराना और जो बीमार हुई उसको दवा देना, इंजेक्शन लगाना। और हम पुराने हो चुके हैं भाई, यहाँ पे कम 14 साल हमको हो चुका है। 2009 में आए थे, 2024 चलने वाला है, तो आप लोग जानते ही हैं। और बकरियों के बारे में तो जानकारी है ही है, खैर ऐसा तो नहीं कि अगर 14 साल रहे हैं तो जानकारी नहीं हो रहे, वो भी अकेले थे 14 साल तक। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक आदमी आए हैं हमारे पास, जो कि उधर बकरी के बच्चे लोग को देखभाल कर रहे हैं। और बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी में करना पड़ता है। देख सकते हैं इधर पहाड़ी है, और ऐसे पहाड़ियों में के बीच में लेके जाएंगे। अभी तो रूम के ज़्यादा दूर नहीं निकले हैं, नज़दीक में ही हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, बकरी जो है चराने वाला जो रहे, तो बकरी फार्म अगर करता है तो कभी फेल नहीं होगा, वो आदमी कभी फेल हो नहीं सकता है जो बकरी चरा के रखे। और दोस्तों यहाँ पे तो मान लो कि आते हैं लोग चराने के लिए ही आते हैं, खिलाने पिलाने चराने और भी काम रहता है जो करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन बकरी का काम ऐसा है दोस्तों कि आप लोग देखें तो फायदा ही है, क्योंकि बकरी एक ऐसा है, बकरी का मीट जो होता है बकरे का वो बढ़ते ही रहता है, कम कभी नहीं होता है। मुर्गियों में तो थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन बकरे का मीट जो होता है, अगर इस साल 600 है तो अगले साल 700 होना ही है, 700 नहीं 650 होना ही है, हर सालों साल बढ़ते रहता है। तो दोस्तों ये ऐसा धंधा है, धंधा ये कोई ख़राब नहीं है, करना चाहिए। अगर जो कोई भाई करना चाहता है तो थोड़ा बकरी रख कर चराते रहे और खिलाते रहे, आराम से सक्सेस हो जाएंगे भाई। बाकी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तो मान लो कि नौकरी करते हैं यहाँ पे भाई, नौकरी के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं कि सब बच ही जाता है, मरते भी हैं, बकरियाँ मरती हैं, बच्चे मरते हैं, कुछ बचाते भी हैं जो कि बच जाए, ताकि कपिल का बोली सुनने से भी हम लोग बच सकें, इसके लिए करना पड़ता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इधर ये सब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो कि अभी बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और कम से कम एक दिन का चलना 15 किलोमीटर तक तो रहता ही है, आप लोग समझ सकते हैं 15 किलोमीटर तक चलते ही रहना रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घास ज़्यादा नहीं होता है, आप देखें इधर मालूम पड़ेगा कि आलू का खेत है, ये सब पत्थर है और जंगल है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बंडी भी हमारी फट चुकी है, जो कि यहाँ पे थोड़ा एक हुआ है, कभी दिखा देंगे। अभी तो एक हाथ में पानी पकड़े हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, तो थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रगड़ते रगड़ते फट जाता है। अभी दूसरा के लिए बोले हैं, देखो कब तक लेके आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो, और जब तक के लिए हमें भी इजाज़त दें। जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों। अब हम ऐसे ही जंगलों में घूमते घूमते रहेंगे, 12 बजे तक वापस रिटर्न आएंगे तो बनाएंगे खाएंगे, और फिर 2 बजे से लेके जाएंगे। तो दोस्तों बकरी का काम करना कोई बुरा नहीं है, अगर कर सकते हैं तो करके एक चक्कर देख लिया करें, और अपना काम